नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। मार्बल समय के साथ फ्लोरिंग में लगना कम हुआ, ये लगना कम क्यों हुआ इसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन आज बात करेंगे पिंक मार्बल के ऊपर, सबसे कम रेट में सस्ता और बेस्ट ग्रेनाइट किस रेट में आपको ये उपलब्ध मिलेगा, इसके ऊपर से बात करेंगे। चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मार्बल की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। जो आपको मार्बल खाली होता दिखाई दे रहा है, ये लाइट कलर का पिंक मार्बल है, इसमें डार्क कलर भी आता है। देख सकते हैं क्रॉस फिगर का ये मार्बल, चार पीस बनकर इसका एक फिगर बनता है, जो फ्लोरिंग में बहुत अच्छी डिज़ाइन देता है। लेकिन ये अब ज़्यादा वॉलड्रॉप पे ज़्यादा यूज होता है, किचन के प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि कॉमर्शियल काम के लिए पिंक मार्बल ज़्यादा यूज़ होता है समय के साथ। लेकिन कुछ समय पहले इस पिंक मार्बल फ्लोरिंग में बहुत ज़्यादा लगा। बात करते हैं कॉमर्शियल मार्बल में, तो कॉमर्शियल मार्बल की बात करें तो जो भी कॉमर्शियल माल आता है तो उसके अंदर कोई फिगर नहीं आते हैं, प्लेन जैसा पिंक आता है वैसा उसके अंदर कोई फिगर नहीं मिलते हैं, जैसा कि इसके अंदर आप देख रहे हैं फिगर है। रेट की बात करें तो ये इस फिगर वाला माल आपको 30 से 32 रुपए के बीच मार्केट में मिलेगा। साइज की बात करें तो इसमें अलग अलग प्रकार की साइज आती है, जैसे भी साइज आपको चाहिए उस प्रकार की साइज आपको उपलब्ध मिलेगी। साइज में ये इस प्रकार ले सकते हैं जैसा कि आपने वॉलड्रॉप बनाया है, पर वॉलड्रॉप किस साइज का इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप मार्बल किस साइज का लेते हैं। जैसा भी आप वॉलड्रॉप बनाते हैं 3 फीट 4 फीट या फिर किचन का स्टैंड बनाते हैं, तो आप उसी प्रकार का मार्बल मार्केट से परचेस करें ताकि वो वेस्ट ना गिरें और आपका नुकसान ना हो। बात करें थिकनेस की मार्बल की, तो ये 12 से 15 एमएम के बीच इसकी कटिंग होती है, और ऑर्डर से आप 18 एमएम के बीच भी इसकी कटिंग करवा सकते हैं। ब्लॉक के हिसाब से नीचे का जो एरिया रहता है वो खुरदरापन रहता है, आप देख सकते हैं ये एकदम फ्रेश पिंक है। इसमें जो बर्न आई है ये कोने में आई हुई है, वो टुकड़े आप देख सकते हैं यहाँ से टूट चुके हैं। मार्बल में इस प्रकार के नंबर से चलता है, जब भी आप फ्लोरिंग में इसे फिट करवाते हैं तो इसी नंबर के साथ आपको फ्लोरिंग में फिट करवाना पड़ता है। ये नंबर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर हो सकता है आपकी फ्लोरिंग में जो फिगर बनते हैं उसमें डिसमैच हो जाए, आपको फिगर ना मिले। जब भी आप मार्बल लोडिंग अनलोडिंग करवाते हैं तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए, नंबर चेंज होते हैं तो फिर फिगर में दिक्कत आती है। पिंक मार्बल आप राजस्थान से खरीद सकते हैं, जो 30 से 32 रुपए के बीच आपको एकदम फ्रेश ग्रेनाइट उपलब्ध मिलेगा। इससे सस्ता भी आपको ग्रेनाइट मिल सकता है, लेकिन उसमें क्रैक आता है। आपको 20 रुपए 22 रुपए में भी ग्रेनाइट मिल सकता है, लेकिन क्रैक आता है। क्रैक अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको मात्र 15-20 रुपए फीस मिल सकता है। क्रैक की क्या पहचान होती है तो आप देख सकते हैं, इस प्रकार के क्रैक रहते हैं बीचों बीच, ये साइड से आपको बता रहा हूँ, लेकिन बीचों बीच में भी इस प्रकार के क्रैक रहते हैं। मार्बल में अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए जरूर आप कमेंट करें, आप दुकानदार हैं तो ज़रूर आप ये वीडियो देखकर कमेंट करें आपके यहाँ कौन सा मार्बल चलता है, पिंक फ्लोरिंग के लिए चलता है या फिर वॉलड्रॉप के लिए। मेरे यहाँ ये वॉलड्रॉप में ज़्यादा यूज़ होता है, आपके यहाँ कौन सा चलता है। आपको अगर मार्बल का बिज़नेस भी अगर करना है, मार्बल ग्रेनाइट का, तो भी आप पर ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।